हाँ दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूट्यूब का सर्च बार जो भी आप सर्च करते हैं और आप उसे चाहते हैं डिलीट करना या फिर आपका बहुत सारा हो चुका है आप एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेंगे। तो जैसे आप ओपन करते हैं, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखता है। अब आपको ने जो भी सर्च किए रहेंगे, यहाँ पे सर्च आइकन मिलता है यूट्यूब में, इस पर आप क्लिक करके देखेंगे तो बहुत सारा है। और इसे आप एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहें। अगर आप एक एक को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च बार दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे हाथ रखेंगे, उस तरह से ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आएगा रिमूव, तो रिमूव पे क्लिक करेंगे और ये एक एक करके आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सारे को डिलीट करना है, यहाँ पर रिमूव कर देंगे तो ये रिमूव हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप सारे को एक साथ करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब में ही रहना है और बैक आना है सर्च बार से। और आपको ऊपर में यहाँ पर एक आइकन मिलता है जीमेल का, तो यहाँ पर जीमेल का जो आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग में क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देख लेना है, हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आएगा क्लियर सर्च हिस्ट्री, क्योंकि हमें क्लियर सर्च हिस्ट्री डिलीट करना है यूट्यूब से, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछेगा कि क्लियर सर्च हिस्ट्री, आप सारे को क्लियर करना चाहते तो यस, यहाँ पे हम क्लियर पे क्लिक करेंगे और ये क्लियर हो चुका है, यहाँ पे लिख कर आ गया है। चलिए हम बैक जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम बैक आ चुके हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सर्च बार जो दिख रहा है यूट्यूब का, इस पर हम ओपन करेंगे इसको। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना ढेर सारा था हमारा सर्च आइकन, वो सारे के सारे अब डिलीट हो जाएंगे सर्च बार। तो इस तरह से आप अपने YouTube में जो भी सर्च करते हैं उसे डिलीट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, इस तरह से हटा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।